जिले के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत शिवपुरी जिले में 3 चरणों में निर्वाचन संपन्न होना है। इसमें से 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, जबकि 3रे चरण का मतदान आज 8 जुलाई को शुरू हो गया है। आज पोहरी करेरा शिवपुरी विकासखंड मतदान के 1 दिन पूर्व मतदान दलों को रवाना किया गया। मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदान दलों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पोहरी में कुल 79, करेरा में 66, शिवपुरी में 74 ग्राम पंचायतों में पोहरी में 210, करेरा में 221, शिवपुरी में 208 मतदान केंद्र सहित कुल 639 मतदान केंद्रों पर मतदाता वोट डालेंगे। इन मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की व्यवस्था भी निगरानी की गई है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, जो कि लगातार अपने अपने क्षेत्र में मतदान व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए हैं। सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। आज होने वाले मतदान में शिवपुरी के 25 वार्ड के 113,867, करेरा में 25 वार्ड में 125,677, पोहरी के 22 वार्ड में 120,063 मतदाता हैं। सरपंच पद के शिवपुरी में 373, करेरा में 467 और पोहरी में 488 अभ्यर्थी मैदान में हैं। इसमें जनपद सदस्य के लिए शिवपुरी में 148, करेरा 153, पोहरी में 134 अभ्यर्थी हैं। जिला पंचायत के 248 में से कुल 9 वार्डों के 83 अभ्यर्थी हैं। लोगों में चुनाव में वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। मतदान चल रहा है, 2 बजे तक 70% मतदान हुआ है। SDM रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश चंद्र शुक्ला ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदान केंद्रों पर ड्रोनों से नजर रखी जा रही है। आज पंचायत चुनाव के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का 3रा चरण है और अभी मैं खड़ा हूँ जन्म पंचायत करेरा की ग्राम पंचायत कड़ौरा लोधी, मतदान केंद्र क्रमांक 283। अभी सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया है। 2 मतदान केंद्र हैं, दोनों पर कम से कम 200 लोगों की भीड़ लगी हुई है और मतदान चालू है। अभी 7 बजे से मतदान चालू हुआ, अभी तक 58 वोट गिर चुके हैं।